सरकार की हालत आज बनी हुई है कानून व्यवस्था में। उसी तरह से किसानों के लिए कोई योजना बनती है, उस योजना में भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा। भारतीय जनता पार्टी जो सपोर्ट पर आई, गेहूं समर्थन का आपने देखा, बारदान के बहाना लेकर वो किसानों का गेहूं खरीदा नहीं, पर जो पीडीएस का गेहूं था वो ला ला के मंडी में बेचा और 3 रुपए 4 रुपए 6 रुपए किलो वाला, आपने देखा होगा आज 1-1 क्विंटल 1400 रुपए क्विंटल उन्होंने बेच के पैसा कमाया। वहां पर भी भ्रष्टाचार उन्होंने जबरदस्त किया। और इस प्रदेश में सबसे ज्यादा तकलीफ ये खनिज माफियों से, प्राइवेट कंपनियां जितनी आ रही है बस उनको एक ही दिख रहा है, खनिज माफिया आदिवासी की जमीन के ऊपर। प्राइवेट जितनी कंपनियां है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, वो सारी आदिवासी की जमीन पर। और ये सरकार खुद मुख्यमंत्री से लेकर सभी आगे होके वो जमीन दे रहे हैं और उनसे मोटी रकम दे रहे हैं और उनको मतलब मिट्टी के भाव पैदा आदिवासी पैदा हम आपको दूसरी जगह व्यवस्था कर देंगे, मगर कोई व्यवस्था नहीं करेंगे, वहां से भगा दिए जा रहे हैं। ये कौन आवाज उठाएगा? आप और हमको उठाना पड़ेगी। गरीब आदमी की बाप दादा की जमीन है जो बरसों से वो करता हुआ आ रहा है उनके पीढ़ी दर पीढ़ी, पर आज उनको वहां से भगा के आज उनका नाम निशाना मिट जाएगा, वो आदिवासी कहां जाएगा, कैसे रहेगा, उसका सारा नाम काम ही खत्म हो जाएगा। हमारा कल्चर पूरा खत्म हो रहा, हमारी संस्कृति खत्म हो रही है। इस तरफ हमको ध्यान देना बहुत जरूरी है, एक बात को भी आपको देखना पड़ेगा। तो आज इसमें आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी नाम से की जा रही है, कलेक्टर बेधारा कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, नामांतरण कर रहे हैं, जबकि संविधान में व्यवस्था है कि आदिवासी की जमीन कोई भी गैर आदिवासी के ऊपर नाम से नहीं हो सकती है। कलेक्टर को भी अधिकार नहीं, बोर्ड को भी अधिकार नहीं, पर ये जमीन क्यों बेनामी मतलब स्थानांतरण हो रही है? इसके ऊपर भी हमारे विधायक और हमारे सांसद हम लोगों को और जितने विकास परिषद वाले, आप भी जहां जहां जिस गांव में उसकी पता लगाओ, उसकी लिस्ट बनाए ताकि उसके ऊपर लड़ाई लड़े, बात करें, और जिस अधिकारी ने नामांतरण किया उस अधिकारी को कटघरे में खड़ा करें, उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। कानून के खिलाफ जाके जो काम किया कलेक्टर ने, कई जिलों में शिकायत आ रही है, उसको भी आपको और हमको देखना पड़ेगा, इस बात को भी आपको देखिएगा। उसी तरह से छात्रावासों में हालत बड़ी जर्जर हो रही है, जिस हॉस्टल में लड़के को एक गांव से लाके इंसान बनाना है उसको भिखारी बना रहे, उनको खाने का नहीं मिल रहा है,